पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सोयोन जंगियों का पैर हथौड़े से मार मार के तोड़ देता है। वहाँ से भागकर वो रोड पे आता है तो उसे चांदमी मिलती है। चांदमी उसे वहाँ पैदल देखकर हैरान होती है। पूछने पे वो कहता है कि वो अपना बाइक लेने ही जा रहा है। चांदमी उसके शूज पे खून के छींटे देखती है पर उतना ध्यान नहीं देती। वो लोग थोड़ी बात करते हैं, फिर वापस लौटकर सोयोन लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना नर्वस था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चांदमी अपने भाई के एशेस पे फ्लावर्स लेकर गई थी। वो इम्सोमी की बात याद करती है कि उसके भाई के मरने पे बहुत से लोग खुश हुए थे और वो दुखी होकर मन में सोचती है कि तुम ये कैसी लाइफ जी रहे थे। सोयोन भी वहाँ अपने भाई के लिए फ्लावर्स लेकर गया था, जिसे मरे 3 साल हो चुके थे। चांदमी सोयोन को देखती है और उसके देखने से पहले छुप जाती है। सोयोन बाहर निकलता है तो वो देखती है कि वो किसके एशेस के पास आया था। तभी सोयोन वापस आ जाता है क्योंकि वो कुछ भूल गया था। चांदमी को वहाँ देखकर वो पूछता है कि तुम मेरे भाई को जानती थी क्या। चांदमी कहती है कि वो उसके भाई के लिए नहीं आई है और फिर उसे वोनसुक के बारे में बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को ना बताए कि दोनों ट्विंस थे। चांदमी को डर था कि अगर लोगों को उसके सच के बारे में पता चला तो वो लोग उससे वोनसुक के बारे में सच नहीं कहेंगे और वो पूरा सच जानना चाहती थी। सोयोन फिर अपने भाई के बारे में बताता है। उसके भाई को स्कूल में बिना किसी वजह के बहुत बुली किया जाता था। एक बार बुलीज ने सोयोन के भाई को रेस्टरूम यूज करने पे रोक लगा दिया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, पर फिर भी बुलीज ने उसे रेस्टरूम जाने ही नहीं दिया। उस दिन पहली बार उसने फाइट बैक किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उससे कंट्रोल नहीं हो पाया और उसने सबके सामने पैंट में टॉयलेट कर दिया, जिसपे सब लड़कों ने उसका बहुत मजाक बनाया और उसकी वीडियो भी बनाई। उस दिन जब सोयोन की मॉम घर वापस आई तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बिल्डिंग से गिरकर मरते हुए देखा। बस में फिर सोयोन चांदमी से पूछता है कि वोनसुक का असली नाम क्या था, तो वो बताती है कि उसका नाम चानक्यू था। दूसरी तरफ स्कूल में सबको ये पता चलता है कि जंगयुंग स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहा है। इस न्यूज से सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि जंगयुंग एक बहुत ही घटिया इंसान था। जंगयुंग स्कूल से निकल रहा था तो व्हीलचेयर पे था। बहुत से स्टूडेंट्स भी यही देख रहे थे। कोई बताता है कि पिछली रात किसी ने उसके पैरों को मार मार के तोड़ दिया था और उसे धमकी दी थी कि वो स्कूल छोड़ दे। सब लोग यही कह रहे थे कि ये अच्छा हुआ, एक रेपिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो लोग उसके अटैकर को हीरो मान रहे थे। उसी समय सोयोन और चांदमी भी स्कूल पहुंचते हैं। दोनों को साथ आता देख जीयुन चिढ़ जाती है क्योंकि वो सोयोन को पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच चल रहा था, जिसमें सोयोन और ओसंग दोनों खेल रहे थे। ओसंग को देखकर चांदमी को ध्यान आता है कि इम्सोमी ने वोनसुक के बुली करने वाली जो स्टोरी बताई थी, उस स्टोरी में ओसंग भी था। इधर सोयोन को बास्केट करने से रोकने के लिए ओसंग उसे धक्का देता है, जिससे उसका सिर दीवार पे टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सोयोन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जीयुन सोयोन की हालत देखकर ओसंग से लड़ जाती है, ये बोलकर कि तुमने उसे जानबूझकर धक्का दिया, तुम उसे मारना चाहते थे क्या। दोनों मारा मारी करने पे उतर आते हैं और लोगों को बीच बचाव करना पड़ता है। शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान चांदमी जयबम से कहती है कि उसे एक फेवर चाहिए। इधर सुयुन को होश आता है तो वो देखता है कि जीयुन उसका वेट कर रही थी। दोनों बाहर निकल रहे थे तो एक लड़की जो अंदर आ रही थी जीयुन से टकरा जाती है। सुयुन देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तैसो थी, जिसने विग लगाया हुआ था। मिन की फ्रेंड उसे वीडियो दिखाती है जिसमें जंगयोंग व्हीलचेयर पे स्कूल से जा रहा था। मिन ये वीडियो देखकर खुशी से रोने लग जाती है। मिन के डैड उसे खुश देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तभी तैसो भी उस समय वहां पहुंचती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिन को जंगयोंग के असॉल्ट का केस मिलता है। पुलिस चीफ जल्द से जल्द अटैकर को पकड़ने की बात कहते हैं। जयबम के कहने पे ओसंग चांदमी से मिलने आता है। चांदमी उससे इम्सोमी और वोनसुक के बारे में पूछती है। असल में इम्सोमी ने ओसंग पे ब्लेम लगाया था कि उसने उसे प्रेग्नेंट किया है। ये बात शायद झूठी थी और ओसंग को डिफेंड करने के लिए ही वोनसुक ने इम्सोमी को बुली किया था। चांदमी पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए वोनसुक ने क्यों लड़ी, तो ओसंग कहता है कि वो और वोनसुक क्लोज फ्रेंड्स थे। वोनसुक एक अच्छा इंसान था जिसने उसकी हेल्प की थी।
चांदमी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगती है तो उसंग वहाँ से निकल जाता है और जल्दी में अपना फोन छोड़ जाता है। चांदमी फोन लेकर पीछे भागती है तो वो कैब से निकल चुका था। चांदमी अपने स्कूटर से उसका पीछा करती है और उसके घर पहुंचकर बेल बजाती है तो जी ह्यून बाहर आती है। उस समय ये पता चलता है कि दोनों भाई बहन हैं, पर वो लोग ये बात छुपा कर रखते थे और नहीं चाहते थे कि किसी और को पता चले। दूसरी तरफ मिन के डैड तैसो को थैंक यू बोलकर पैसों से भरा एनवेलप देते हैं जंगयोंग को स्कूल से निकलवाने के लिए। तैसो वो एनवेलप लेकर पोलिंग एली जाती है जहाँ सुयुन काम करता था और उसके लॉकर में रख देती है। अगले दिन चांदमी स्कूल पहुंचती है तो ओसंग उसका वेट कर रहा था। वो बताता है कि वो और जीयुन स्टेप सिब्लिंग्स हैं। उसके डैड ने 2 साल पहले जीयुन की मॉम से शादी की थी पर अब तक उसे ऑफिशियल नहीं किया गया है। वो चांदमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को उसके और जीयुन के बारे में ना बताए तो वो मान जाती है। इधर डिटेक्टिव्स जो जंगयोंग का केस हैंडल कर रहे थे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो नोटिस करते हैं कि एक लड़की जो स्कूटर से लौट रही थी किसी को देखकर रुकी थी। उन्हें शक था कि वो अटैकर ही था। दूसरी तरफ स्कूल में ये बात फैल रही थी कि जिसने जंगयोंग को मार के उसका पैर तोड़ा उसी ने वोनसुक को भी पनिश किया क्योंकि वोनसुक ने भी बहुत से लोगों को परेशान किया था। चांदमी यही सब कुछ के बारे में सोच रही थी तभी उसे ध्यान आता है कि जब वो सुयुन से उस रात मिली थी तो उसके जूतों पे खून के छींटे थे। चांदमी सुयुन का घर पता करके उसके घर पहुंचती है तो वो वहाँ नहीं था। वो उसके जूते ढूंढती है जिसमें खून के निशान थे तभी सुयुन भी घर वापस आ जाता है। चांदमी जल्दी से शूज अपने बैग में रख के निकलती है तो देखती है कि सुयुन को बहुत तेज हेडेक हो रहा था और उसके नाक से खून निकल रहा था। वो मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है पर सुयुन उसे देख लेता है। वो ये भी जान जाता है कि उसके शूज गायब हैं। चांदमी वापस आती है तो डिटेक्टिव्स उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो रास्ते में किससे मिलकर रुकी थी। चांदमी बता देती है कि उसने सुयुन को ही रास्ते में देखा था पर वो शूज वाली बात नहीं बताती। डिटेक्टिव्स फिर सुयुन से मिलके इस बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि वो जॉगिंग के बाद अपनी बाइक लेने के लिए जा रहा था। डिटेक्टिव जिन सुयुन के शूज में लगे खून के निशान देख लेती है। अगले दिन सुयुन स्कूल पहुंचा तो चांदमी उसका वेट कर रही थी। वो डायरेक्टली पूछता है कि तुमने मेरे खून के छींटे वाले स्नीकर्स चुरा लिए तो पुलिस को देखकर ये बता क्यों नहीं दिया कि मैं ही वो हीरो हूँ जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। चांदमी सॉरी बोलकर उसके स्नीकर्स वापस कर देती है। उसे लग रहा था कि खून के निशान सुयुन के नोज ब्लीड की वजह से हुआ होगा। जाते हुए सुयुन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, उस हीरो ने वोनसुक को नहीं मारा है। ये सुनकर चांदमी हैरान होकर पूछने लगती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें क्या पता है। सुयुन उसे इग्नोर करके क्लास चला जाता है। वो भी पूछते हुए क्लास आती है और जिद करने लगती है बताने के लिए। जीयुन को ये देखकर गुस्सा आता है और वो आकर चांदमी को रोकती है। दोनों की थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। सुयुन काम कर रहा था तो डिटेक्टिव जिन वहाँ एज अ कस्टमर आती है। उस समय सुयुन को पता चलता है कि डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहे हैं वो डिटेक्टिव जिन के हस्बैंड हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी ने चांदमी के लॉकर में एक नोट रखा था जिसमें लिखा था ऑडिटोरियम में मिलने को, कोई सीक्रेट बताने के लिए। वो ऑडिटोरियम पहुंचती है तो कोई ईंट से उसके सिर पे जोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर उसके फिंगरप्रिंट से कोई उसका फोन अनलॉक करता है। चांदमी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी और जेबम उसके सामने था। जेबम कहता है कि उसने उसे ऑडिटोरियम जाते हुए देखा था और जब वो काफी समय तक बाहर नहीं आई तो चेक करने के लिए वो अंदर गया तो देखा कि वो बेहोश है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीयुन जब स्कूल कॉरिडोर में चल रही थी तो हर कोई उसे देखकर बातें बना रहा था और हंस रहा था। असल में किसी ने जीयुन का एक वल्गर फोटो एडिट करके सर्कुलेट कर दिया था। जीयुन फोटो देखकर एकदम शॉक्ड और गुस्से में रह जाती है। दूसरी तरफ चांदमी हॉस्पिटल में एक बड़े से सुइट जैसे रूम में थी तो घबरा रही थी कि बिल कैसे पे करेगी। तो जेबम थोड़ा एम्बेरस होकर बताता है कि ये हॉस्पिटल उसकी फैमिली का ही है। इधर जीयुन बहुत से स्टूडेंट्स के साथ उस लड़की के पास पहुंचती है जिसने उसका फेक फोटो फैलाया था। ये लड़की सियो द्योन थी जो चांदमी की फ्रेंड थी। जीयुन उस पे चिल्लाती है तो वो अपना फोन दिखाकर बताती है कि फोटो उसे चांदमी ने भेजा था।
उसी समय चांदमी भी वहाँ पहुँचती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियुन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। वो दोबारा मारने के लिए हाथ उठाती है तो सुयुन बीच में आ जाता है और चांदमी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। सब लोग देखते रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।